आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपके पास भी अमेजन गिफ्ट कार्ड का बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है और आप उस गिफ्ट कार्ड के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो किस तरह से आप इस बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूजर है जिनके पास अमेजन का गिफ्ट कार्ड का बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा लेकिन वो इसे यूज ना कर पा रहे न उसे ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि इसका यूज कैसे करते हैं और किस तरह से आप इस बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर कर पाएंगे, सारा कुछ जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर आपको देने वाला हूं। क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर आपको कमाल का ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से आप अपना अमेज़न गिफ्ट कार्ड का बैलेंस को सिर्फ एक क्लिक में ट्रांसफर कर पाएंगे। साथ ही अगर आप यहां पर वॉलेट के पैसे को भी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इंस्टेंट ही अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों जो वीडियो देख रहे हो उस वीडियो को सबसे पहले आपको लाइक कर देना, लाइक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहां पर आपको सब्सक्राइब का बटन मिलेगा जिस पर क्लिक करके आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों बगल में बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पे सेट कर देना ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको अपने फोन के प्ले स्टोर ऐप को यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च वाले सेक्शन में चले जाना। उसके बाद आपको यहाँ पर अमेजन एप्लीकेशन को सबसे पहले यहाँ पर लिखकर आपको सर्च कर देना। सर्च करने के बाद ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आना सिंपली से अमेजन ऐप को सबसे पहले आपको अपडेट कर लेना। अपडेट करने के बाद सिंपली से ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने अमेजन एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि अमेजन पे का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अमेजन पे बैलेंस यहाँ पे शो हो रहा है तो आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं जो भी यहाँ पर बैलेंस है वो आपको देखने को मिल जाता है। वॉलेट में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर 600 रुपया शो हो रहा है और गिफ्ट कार्ड में 280 रुपया देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि वॉलेट का पैसा बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि गिफ्ट कार्ड का पैसा कैसे ट्रांसफर होता है। चलिए यहाँ पर वॉलेट का पैसा अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे की तरफ आपको इसे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वॉलेट का एक सेक्शन दिख जाता है जहाँ पर आप लेवल वाले 600 रुपया शो हो रहा है। आप इसे ट्रांसफर करने के लिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और सेंड मनी पर क्लिक करके आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने सेल्फ बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जैसा कि दोस्तों यहां पर आपको दो ऑप्शन मिलता है लेकिन ये दो ऑप्शन तभी मिलेगा जब आप यहां पर अपना KYC यहां पर कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसा कि दोस्तों अगर आप इसमें KYC करना चाहते हैं तो आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड का जरूरत होगा। आप आधार कार्ड और पैन कार्ड की वजह से आप अपने यहां पर KYC को कंप्लीट कर लीजिएगा, वीडियो KYC को, तभी आप यहां पर इसके वॉलेट के पैसे को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जैसा कि दोस्तों मैं यहां पर पैसा ट्रांसफर करना चाहता हूं तो इसके लिए सिंपली से क्या करना है कि आपको स्कैन और पेबल ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। अब जैसे दोस्तों स्कैन और पेबल ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा आपको जिस भी बैंक में पैसा ट्रांसफर करना है उसका बारकोड आपको यहां पर ओपन कर लेना। चलिए मैं यहां पर सिंपली से बारकोड को ओपन करके स्कैन कर लेता हूं। स्कैन करने के बाद दोस्तों यहां पर क्या करना है कि आपको जितना अमाउंट यहां पर ट्रांसफर करना चाहते हो और वॉलेट में जितना अवेलेबल है उतना आप ट्रांसफर कर सकते हो। मैं 2 रुपये यहां पर ट्रांसफर करके आपको दिखाने वाला हूं। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा देख सकते हैं यहां पर अमेज़न पे वॉलेट में देख सकते हो 6 रुपये बचा हुआ, 2 रुपये मैं यहां पेमेंट करने वाला हूं। पे पर जैसे मैं क्लिक करूंगा यहां पर पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हैं यहां पर 2 रुपये मेरा बैंक अकाउंट में यहां पर ट्रांसफर हो चुका और वॉलेट से मेरा कट चुका है जो कि मैसेज यहां देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप अपने अमेज़न पे वॉलेट का पैसा आसानी से अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहां पर गिफ्ट कार्ड का पैसा यहां पर अब शो हो रहा है। अगर आप उसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहां पर जान लीजिए कि आप इसे यूज कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स को ये नहीं पता कि गिफ्ट कार्ड का यूज कहां कहां कर सकते हैं और इससे बैंक में ट्रांसफर कैसे करना। तो सबसे पहले दोस्तों यहां से आपको बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं अगर आप गिफ्ट कार्ड का पैसा यूज करना चाहते हैं तो यहां पर दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, फास्टैग वगैरह रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो LPG का हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो। साथ ही यहाँ पर गिफ्ट कार्ड आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, साथ ही यहाँ पर ट्रैवल के लिए टिकट बुक कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्शन मिल जाते हैं जहाँ पर आप अपने गिफ्ट कार्ड बैलेंस को आसानी से यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इससे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको अपने फ़ोन के प्ले स्टोर ऐप को यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली से आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है जिसका नाम है स्नैपपे। चलिए यहाँ पर स्नैप पे ऐप को यहाँ पर सबसे पहले आपको डाउनलोड करना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली से आपको क्लिक करके आपको इसे डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले आपको इसमें साइन अप करना होगा, जिसके लिए आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, पासवर्ड वगैरह क्रिएट करके आपको इसमें साइन अप कर लेना। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पर एमपिन क्रिएट करना होगा, 4 डिजिट का एमपिन क्रिएट कर लेना। चलिए यहाँ पर सिंपली से ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आप ओपन वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा लॉगिन विथ एमपिन का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली से आपको अपना एमपिन यहाँ पर एंटर कर लेना है।
अब जैसे ही एम पिन यहाँ पर डाल दिया जाएगा, सिंपली से देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन का इंटरफेस देखने को मिल जाता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे सर्विस देखने को मिल रहे होंगे, BBPS, रेंट पेमेंट, क्रेडिट कार्ड बिल, GST बिलिंग, फास्टैग पेमेंट, यूटिलिटी पेमेंट, प्रीपेड रिचार्ज, एजुकेशन, तो ये सभी सर्विस आपको देखने को मिल जाती है अगर आप स्नैपपे एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो। दोस्तों साथ ही आपको बता दूँ कि अगर आप इस एप्लीकेशन से अमेज़न गिफ्ट कार्ड का बैलेंस ट्रांसफर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर KYC कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो अगर आप उसका पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली से यूटिलिटी पेमेंट का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सिंपली से आपको इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है, एड न्यू का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना, जहाँ पर आपको अपना अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पर एंटर करना। अब जैसा कि दोस्तों आप अमेज़न गिफ्ट कार्ड में जो भी बैलेंस है जिस भी अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं उस अकाउंट का बेसिक डिटेल्स आपको एंटर करना है, जैसे कि अकाउंट होल्डर नेम जिसके नाम से खाता है, निकनेम आपको डाल देना है, उसके बाद बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर जो बैंक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर उसको डालना है, अकाउंट नंबर आपको डाल देना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर डालना, IFSC कोड आपको यहाँ पे इंटर कर देना, उसके बाद आपको यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब जैसे दोस्तों सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले अमाउंट डालने का ऑप्शन आता है कि कितना अमाउंट आप यहाँ पर ट्रांसफर करना चाहते हो। अब जैसे कि दोस्तों मेरे पास 280 रुपये था, तो मैं यहाँ पर अगर 150 रुपये ट्रांसफर करना चाहता हूँ 150 टाइप कर दूंगा। यहाँ पर रेंट पेमेंट का ऑप्शन मेरा सिलेक्ट है, जैसे कि अगर आप न्यूज हो तो आपको यहाँ पर रेंट पेमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आप उसे सिलेक्ट करते हो तो आसानी से आप अपना पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। उसके बाद आपको बैरियर में आपको रिसीवर से होगा, सेम डे और स्टैंड पे यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहे होंगे, ठीक है, सेम डे और स्टैंड पे यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो सिंपली से आपको सेम डे वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ऑफर में देख सकते हैं बेबीज रिवॉर्ड, मास्टर वीजा, रुपए, उसके बाद क्रेडिट कार्ड में आपको MTU डिनर, अदर में देख सकते हैं नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिख जाता है, साथ ही यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिख जाता है, UPI का ऑप्शन दिख जाता है, साथ ही दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वॉलेट में देख सकते हैं Wallet 1, Wallet 2 और MobiKwik का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर अमेज़न गिफ्ट कार्ड का पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर Wallet 1 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको T1 वाला ऑप्शन पर सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपको Wallet 2 वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको प्रोसीड टू पे वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। अब जैसे दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, तो आपको वॉलेट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, फोनपे, जियो मनी, MobiKwik, बजाज पे, साथ ही यहाँ पर आपको अमेज़न पे का भी यहाँ पर ऑप्शन आता है, लेकिन अभी यहाँ पर ऑप्शन शो नहीं हो रहा। अब जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से मैं बैक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो अमेज़न पे का यहाँ पर लोगो दिख रहा है, लेकिन दोस्तों मैं जैसे ही आप इस पर क्लिक कर रहे हैं यहाँ पर अमेज़न पे का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा मुझे। अब बहुत सारे फ्रेंड्स को यह हो सकता है कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, तो क्या करना कि आपको उस पर क्लिक करना, क्लिक करने के बाद पे वाला ऑप्शन पर क्लिक करना, क्लिक कीजिएगा तो 1 टाइम OTP आएगा, OTP फिल कीजिएगा और आपका विद इन 24 आवर आपका जो पैसा है अमेज़न गिफ्ट कार्ड का वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से आप अपने अमेज़न गिफ्ट कार्ड के बैलेंस को यूज कर सकते हैं और उसे डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे में जो वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कमाल की वीडियो मिलती रहे। तो फ्रेंड चलिए, बाय बाय, टेक केयर।